हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 साइंस के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो पेपर की पार्ट टू वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS हाफ ईयरली पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट वन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया था। इस वीडियो को सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंपेयर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर 4 पॉइंट्स। इन योर ओपिनियन विच इज़ बेटर, गिव रीजंस 2 पॉइंट्स फॉर योर आंसर। पहला डिफरेंस है, मैन्यूर इज़ द नेचुरल मटेरियल वाइल फर्टिलाइजर इज अ सिंथेटिक केमिकल। सेकेंड, मैन्यूर इज नॉट इजिली सोल्यूबल इन वाटर और फर्टिलाइजर आर इजिली सोल्यूबल इन वाटर। तीसरा डिफरेंस है, मैन्यूर इज़ अ इको फ्रेंडली जबकि फर्टिलाइजर कैन काजेज वाटर पॉल्यूशन। और लास्ट है चौथा, इट इज़ नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर इट इज़ रिच इन सॉयल न्यूट्रिएंट्स। इसमें से कौन बेटर है ये आपको अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स में लिखना है। इसमें और में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वीडिंग इन एग्रीकल्चर, राइट एनी 2 मेथड ऑफ वीडिंग। एग्रीकल्चर में वीडिंग क्या है इसकी कोई 2 मेथड लिखिए। वीड्स अर्थात अनवांटेड प्लांट्स को क्रॉप से रिमूव करना, उनके बीज से हटाना वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड आल्सो नोन एज वीड्स दैट ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप्स एंड इफेक्ट देयर ग्रोथ। हेयर आर 2 मेथड्स ऑफ वीडिंग, पहली है टिलिंग और दूसरा है और दूसरी मेथड है मैनुअल रिमूविंग। पहली टिलिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व्स टिलिंग द सॉयल बिफोर सोइंग सीड्स टू अपरूट एंड किल वीड्स। और मैनुअल रिमूवल में दिस मेथड इन्वॉल्व अपरूटिंग वीड्स बाय हैंड आर विथ अ टूल लाइक अ खुरपी आर ट्रवल। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन अर्थात सिंचाई की कोई 2 मॉडर्न मेथड को एक्सप्लेन करिए। आंसर है, 2 मॉडर्न इरीगेशन मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम्स एंड ड्रिप सिस्टम्स। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम इरीगेशन के मॉडर्न मेथड हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम्स, दिस सिस्टम यूज रोटेटिंग नोजल्स टू स्प्रे वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन टू द लैंडस्केप। इस सिस्टम में पाइप में नोजल्स लगी होती हैं जो रोटेट होती हैं और वाटर के प्रेशर से ऊपर उठती हैं जिससे स्प्रिंकल के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पानी निकलता है। इस सिस्टम का यूज़ सैंडी सॉयल और अनइवन लैंड के लिए किया जाता है। सेकेंड मेथड है ड्रिप सिस्टम, दिस सिस्टम्स यूज नैरो पाइप्स लेड ऑन द फील्ड्स दैट ड्रिप वाटर थ्रू स्मॉल होल्स डायरेक्टली एट द प्लांट रूट्स। इन दिस सिस्टम नो वाटर वेस्ट। इस सिस्टम में मेन पाइप से कई सारे नैरो पाइप्स जोड़ करके प्लांट की रूट पर रख दिए जाते हैं जिससे ड्रिप के फॉर्म में वाटर निकलता है। इस केस में वाटर वेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 के और में क्वेश्चन है, ए पर एक फिगर बना हुआ है और बी पर एक फिगर बना हुआ है। नेम द एबव गिवन एग्रीकल्चर टूल्स ए एंड बी, आल्सो गिव देयर फंक्शन। ये दोनों एग्रीकल्चर टूल्स हैं, इनके नाम बताना है और इनके फंक्शन लिखने हैं। टूल ए है हो, यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, इसका यूज़ वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और बी है सीड ड्रिल, यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ सीड, सीड को बोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गिव 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कोई 3 इफेक्ट्स बताइए। फोर्स के 3 इफेक्ट्स हैं, पहला, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को ये चेंज कर सकता है। दूसरा, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। और तीसरा है, फोर्स कैन आल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और सेट अ बॉडी इन मोशन। क्वेश्चन नंबर 23 के और में 2 क्वेश्चन हैं। ए, एक्सप्लेन वाई शोल्डर्स बैग आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। शोल्डर बैग्स के स्ट्रैप्स चौड़े क्यों होते हैं, पतले क्यों नहीं होते। बैग के स्ट्रैप्स को चौड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि शोल्डर के कांटेक्ट में आने वाला पार्ट इंक्रीज हो सके और शोल्डर पर प्रेशर कम से कम पड़े। आंसर है, स्कूल बैग आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद द शोल्डर एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द शोल्डर। इफ थिन स्ट्रैप्स वुड बी यूज्ड द सरफेस एरिया
in contact with the shoulder would decrease, which will lead to an increase in pressure on shoulders. और का बी क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेशर, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट. प्रेशर को डिफाइन करिए और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखिए. प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया. इट इज़ रिलेटेड टू फोर्स एंड एरिया और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. कोल कैसे बनता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. आंसर है, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड ट्रीज दैट आर ब्यूरिड डीप अंडरग्राउंड एंड स्लोली कन्वर्टेड इंटू कोल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू हाई प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. इट इज़ कंसिडर्ड अ फॉसिल्स फ्यूल्स बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 25 है, वाट आर लुब्रिकेंट्स. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ लुब्रिकेंट्स अलॉन्ग विद द सिचुएशन वेयर दे आर यूज. लुब्रिकेंट्स ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है. आंसर है, लुब्रिकेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर बिटवीन टू सर्फेसिस दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैशियस और सेमी सॉलिड. पहला एग्जाम्पल है मोटर ऑयल यूज्ड इन कार इंजन और दूसरा है ग्रीस यूज्ड इन द बैरिंग ऑफ स्मॉल मोटर्स इन स्मार्टफोन्स एंड गेम कंसोल्स. क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट द काजेस 3 points एंड कॉन्सिक्वेंसेज 7 points ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का पहला कारण है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, दूसरा है वुड एक्सट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल लॉगिंग आर वुड हार्वेस्ट फॉर डोमेस्टिक फ्यूल आर चारकोल. डिफॉरेस्टेशन का तीसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन सच एज रोड बिल्डिंग्स एंड अर्बनाइजेशन. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोस. कॉन्सिक्वेंसेज मतलब नतीजे. डिफॉरेस्टेशन से पेड़ों की ज़रूरत से ज़्यादा कटिंग से क्या नतीजे निकलते हैं, क्या रिजल्ट होता है. पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग. टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी. दूसरा इंक्रीज्ड सॉयल इरोशन बाय विंड एंड रेन. पेड़ नहीं होंगे तो सॉयल का इरोशन होगा विंड के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर रेन के द्वारा, बारिश के द्वारा. तीसरा है इंक्रीज्ड फ्लडिंग. फोर्थ है एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स. जंगली पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे. फिफ्थ है डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा. अगला है डिफॉरेस्टेशन काजेज ड्रॉट और अंतिम है डिफॉरेस्टेशन काजेज डेजर्टिफिकेशन. और में क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. इस पैसेज को रीड करिए और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. इसी तरह का कोई पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाएगा, इसे आप रीड कर लीजिएगा. चलिए इसमें दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ए है, अ प्लेस इन एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज. पहला है होम, दूसरा रिजॉर्ट्स, तीसरा है हैबिटेट और चौथा है रिजर्वायर. यहाँ पर देखिए हैबिटेट इज अ प्लेस इन एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स. आंसर है हैबिटेट. बी क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व्ड. पहला है टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बी है टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीशीज, तीसरा है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर और चौथा है ऑल ऑफ दिस. इसमें करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस. सी क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज बाय नेचुरल क्लाइमेटीज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी. डी क्वेश्चन है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड. डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है रिफॉरेस्टेशन. ई क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट है देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी इन द सी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया हुआ है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन गिवन बिलो. इसे रीड करिए
और यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इसे आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। चलिए इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। यहाँ पर देखिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। करेक्ट आंसर है ए, सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन। बी क्वेश्चन है, फ्यूल्स कैन बी सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, गैसेज ओनली, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर देखिए, फ्यूल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आंसर है ऑल ऑफ दिस। सी क्वेश्चन है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। करेक्ट आंसर है लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। डी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉइल, वाटर, अल्कोहल, विनेगर। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, पेट्रोल, अल्कोहल, LPG। करेक्ट आंसर है अल्कोहल। ई क्वेश्चन है, व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यहाँ पर देखिए, दैट कैन इजीली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। आंसर है सब्सटेंसेस विथ कैच फायर इजीली विथ अ फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रिजर्वायर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अवर फूड स्टफ फॉर लॉन्गर टाइम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। आंसर है, फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोब्स एज दीज माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर बी है, नेम द फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज टू प्रिजर्व जैम्स एंड स्क्वैशेस। आंसर है, द फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज टू प्रिजर्व जैम्स एंड स्क्वैशेस आर सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबायोसल्फाइट। क्वेश्चन नंबर सी है, बाय विच प्रोसेस मिल्क इज प्रिजर्व्ड इन पाउचेस, एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। आंसर है, द मिल्क इज प्रिजर्व्ड इन पाउचेस बाय पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड देन रैपिडली कूलिंग लिक्विड और फूड इन ऑर्डर टू किल माइक्रोब्स दैट मे काज डिजीज। डी क्वेश्चन है, हाउ डू शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। आंसर है, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कॉन्टेंट्स विथ इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 28 के और में क्वेश्चन है, राइट 7 पॉइंट्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइव्स, ऑल्सो गिव 3 पॉइंट्स ऑन द हार्म्स कास्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मेकिंग फूड स्टफ, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट। दूसरा है, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज अ सोर्स ऑफ यूजफुल एंजाइम्स लाइक लाइपेज एंड प्रोटीएजेस। तीसरा पॉइंट है, दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स। फोर्थ पॉइंट है, दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है, राइजोबियम अ बैक्टीरिया इज यूजफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिक्स है, दे आर आल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग विटामिन B12। सेवेंथ पॉइंट है, दे प्रोड्यूस अमीनो एसिड यूज अ प्रिजर्वेटिव्स। एट है, लैक्टोबेसिलस अ बैक्टीरिया हेल्प इन कन्वर्सन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड। और नाइन्थ है, दे आर यूज टू फ्लेवर चीज। और लास्ट है, दे कीप द सॉयल फर्टाइल। इसके अतिरिक्त पूछा गया है, गिव 3 पॉइंट्स ऑन द हार्म्स कास्ट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल इफेक्ट या हार्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पहला फूड स्पॉयलेज कास्ट बाई पॉइजनिंग, सेकेंड स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और तीसरा ह्यूमन डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलरा आर स्प्रेड बाई माइक्रोब्स। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।